हेलो एवरीवन वेलकम टू सरोज मिश्रा चैनल में यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल से टीचर रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है और इसमें काफी सारी वैकेंसीज है जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं थंबनेल पे भी लगभग ऑल सब्जेक्ट ऑल पोस्ट है टीचिंग नॉन टीचिंग पोस्ट भी है इसमें और मिसलिनियस कैटेगरी के टीचर्स के लिए भी रिक्वायरमेंट यहाँ पर है अगर आप फ्रेशर हैं बिल्कुल कोई एक्सपीरियंस नहीं है फिर भी अप्लाई कर सकते हैं और अगर एक्सपीरियंस है तब तो अप्लाई करेंगे ही एप्लीकेशन फीस नहीं ली जा रही है कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है और ई मेल से सिंपल एप्लीकेशन प्रोसेस है चलिए बाकी डिटेल आपको स्क्रीन शॉट लेनी होगी जैसा आपको भी पता है कि मोस्टली अगर प्राइवेट स्कूल की वैकेंसीज हैं तो वो मुझे न्यूज़पेपर में मिलते हैं और न्यूज़पेपर की एडवर्टीजमेंट की इमेज आपके साथ शेयर कर दी जाती है तो इसके लिए आपको आगे स्क्रीनशॉट लेना होगा या फिर आप डिटेल्स नोट डाउन भी कर सकते हैं पेन एंड पेपर की हेल्प से तो चलिए आगे बढ़े इमेज थोड़ी ब्लर है क्योंकि न्यूज़पेपर में जो आती है कभी तो इमेज बहुत अच्छी रहती है कभी इमेज इतनी अच्छी नहीं रहती वाइस प्रिंसिपल सीनियर एंड जूनियर विंग के लिए एकेडमिक कोऑर्डिनेटर ऑल डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेटर स्पोर्ट्स के लिए हेड एडमिशन के लिए एडमिशन काउंसलर स्कूल मैनेजर एडमिन ऑफिसर ट्रांसपोर्ट मैनेजर एचओडी ऑल सब्जेक्ट के लिए एचओडी बहुत अच्छी आपको एक्सपीरियंस है सेवन एट ईयर्स की तो आप एचओडी के लिए अप्लाई कर दें स्पेशल एजुकेटर एंड काउंसिलर के लिए प्री प्राइमरी एंड मदर टीचर के लिए टीचर एंड असिस्टेंट टीचर के लिए भी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर ऑल सब्जेक्ट ट्रेन ग्रेजुएट टीचर ऑल सब्जेक्ट पीआरटी ऑल सब्जेक्ट जितने भी स्कूल लेवल में पढ़ाई होते हैं सबके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं स्पोर्ट्स टीचर जितने भी स्पोर्ट्स हो सकते हैं स्कूल लेवल में जो खेले जाते हैं फॉरेन लैंग्वेज में अपना मेन जो फॉरेन लैंग्वेज है जर्मन फ्रेंच वगैरह जापानीज इनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं टीचर्स म्यूजिक डांस आर्ट एंड क्राफ्ट पेंटिंग पोट्री क्ले मॉडलिंग एंड थिएटर लाइब्रेरियन एंड आईटी असिस्टेंट के लिए भी वैकेंसीज है अब आप आगे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर जॉब लोकेशन सुटेबल है और आप इंटरेस्टेड हैं तो ये नोटिफिकेशन डेली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल से आई हुई है नोएडा एक्सटेंशन से है ये और इसमें काइंडली ई मेल और सीबी अभी आप पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं इस पोस्ट के लिए तो आपको पीजी प्लस बी होना होगा एक्सपीरियंस है तो ठीक है नहीं है तो कोई बात नहीं ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट है प्लस बीएड है तो आप अप्लाई कर सकते हैं पीआरटी के लिए ग्रेजुएट ट्वेल्थ पास भी हैं और इसके साथ में डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन या डिप्लोमा इन एजुकेशन टू इयर्स वाली है या फिर आपके पास जो भी है बीटीसी है जो भी है बीएड है उसके साथ आप अप्लाई कर सकते हैं तो ये हो गया और प्री प्राइमरी सेक्शन में तो एन है या मोन्टेसरी ट्रेन टीचर है आप या फिर और भी कुछ इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होती है जो प्री प्राइमरी सेक्शन को पढ़ाने के लिए होती है तो वो सब में कुछ भी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं अप्लाई कैसे करना है बायोडेटा आपको बस लेना है अपना अपडेटेड और अपडेटेड बायोडेटा आप लेंगे और उसको करियर एट द रेट डी पी एस डी डब्ल्यू पी एस नोएडा ई एक्स डॉट कॉम पर भेज देंगे जिस पोस्ट uh, के लिए जिस सब्जेक्ट के लिए आप एप्लीकेशन करें वो सब्जेक्ट लाइन में आप जरूर मेंशन करेंगे बोल्ड में एच एस फिफ्टी सेवन नॉलेज पार्क फाइव ग्रेटर नोएडा वेस्ट में है ये तो ये उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा वेस्ट उत्तर प्रदेश में आप एप्लीकेशन करने के लिए करियर एट द रेट डी डब्ल्यू पी एस नोएडा ई एक्स डॉट कॉम पर भेज दें अपनी बायोडेटा और सब्जेक्ट लाइन में जरूर बोल्ड में लिखें एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सपोज पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजी टी इंग्लिश एट डी डब्ल्यू पी एस एक्सटेंशन इतना लिख के आप जो मेन कंटेंट होती है ईमेल के वहां पे भी दो तीन लाइन लिख दें और पीडीएफ में कन्वर्ट करके सिंगल पीडीएफ में अटैच कर दें ईमेल से और उसको सेंड कर दें होप आपने इसकी स्क्रीनशॉट ले ली होगी ये सबसे जो अपर पोर्शन है एडवर्टीजमेंट का और ये लोअर पोर्शन एडवर्टीजमेंट का